बात करेंगे, जिसमें योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद गुरुवार को फूट फूट कर रोए और इंसाफ की गुहार लगाई। पूरा मामला इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। मैं सेवक हूँ, अपनी आवाज को मैं उठा रहा था। मेरे लोग 7 जून 2015 को कसरवल कांड, मैं रेल ट्रेन सरकार की होती है। योगी सरकार के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद गुरुवार को विधान परिषद में फूट फूट कर रोए। 7 जून 2015 को हुए कसरवल कांड को याद करके संजय निषाद अपने इमोशन संभाल नहीं पाए और उनके आंसू निकल आए। 7 जून 2015 को कसरवल कांड, मैं रेल ट्रेन सरकार की होती है। सदन में फूट फूट कर रोए संजय निषाद, कसरवल कांड को याद कर रोए संजय निषाद। 7 जून 2015 को हुआ था कसरवल कांड, नौकरी में 5% रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे निशा। पुलिस और समर्थकों में हुई थी भिड़ंत, संजय के एक समर्थक की गोली लगने से हुई थी मौत। कसरवल कांड को याद करके संजय निशा समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे और अपना दर्द जाहिर करते हुए रोने लगे। उन्होंने खुद पर फर्जी मुकदमा लगाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का कोई हक नहीं है। मैं सेवक हूं, अपनी आवाज को मैं उठा रहा था। मेरे लोग 7 जून 2015 को कसरवल कांड, मैं रेल केंद्र सरकार की होती है। मेरे लोग रेल से आवाज उठा रहे थे, समाजवादी पार्टी ने गोली मरवाया। एक मेरा भाई मारा गया और मेरा भाई मारा गया और 302 का मुंडी हमें बना दिया। मैं बधाई दूंगा मानी मेरे को, जेल में हमें तनहाई में रखा गया था। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को, ये मेरा चार मेरी राजनीति बताया। ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का हक नहीं है। हमें सबसे बड़ा अपराधी घोषित किया था, यही कह देता यहाँ कैसे चिंता है। मैं जानता हूँ मेरे पास न्याय होना चाहिए माननीय जी, इन जातियों के साथ वो मेरा मुकदमा वापस होना चाहिए। मेरे साथ देश में इन्होंने 2015 को फर्जी 302 का मुकदमा लगाया, मेरे 6 साथियों को फर्जी करता दिखा के बंद कर दिया। संजय निषाद ने कहा कि इन लोगों ने साल 2015 में उनके खिलाफ 302 धारा के तहत फर्जी केस दर्ज करा दिया था। सुनवाई में कोर्ट ने मान लिया कि गोली पुलिस की ओर से चली थी, इसीलिए वो चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो। निषाद के साथ उनके सभी लोगों के केस भी वापस लिए जाए। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। मैंने 156 दाखिल कर दिया और कोर्ट ने मान लिया कि गोली पुलिस की चली है। मैं चाहता हूँ इस पर जांच हो, मेरे मुकदमे वापस हो जाए, सारे लोगों के मुकदमे हो जाए। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को।